हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। ओके, देखिए अब हमारा जो न्यूमेरिकल सीरीज में कौन सा चैप्टर चालू आपका, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। उसमें मैंने वर्क ऑफ पीवी टाइप कर चुका हूँ पहले, इसमें आप ले रहा हूँ मैं मैक्सिमम वर्क, जिसको बोलते हैं आइसोथर्मल, मतलब वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस में रहेगा। और पीवी टाइप जो वर्क होता है वो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, जरा ध्यान देना जरा उसको आपको। तो वर्क डन के दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। वर्क डन में पहला देखो, डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स होता है माइनस, ध्यान देना जरा, माइनस 2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10 वी टू अपॉन वी वन, या फिर वी टू और वी वन जब लिख सकते हैं पी वन अपॉन पी टू, बाकी सब फॉर्मूल सेम है। तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू मैक्स का मीनिंग है वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, और W नेगेटिव कब किसमें होगा, एक्सपांशन ऑफ गैस। W नेगेटिव कब होगा, कंप्रेशन ऑफ गैस। ये हम वर्क ऑफ पीवी टाइप पे पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर N अगर नहीं दिया क्वेश्चन तो ऐसे निकालना, N इक्वल्स टू सब लोग जानते हैं W अपॉन M, मतलब वेट ऑफ गैस होगा, ठीक है ना, ग्राम में या किलोग्राम में हो सकता है, और M का होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है वो, ठीक है ना। ये डिवाइड, अगर हम W को M से डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए R का मतलब होता है मोलर गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर हो सकता है कैलोरी में तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ओके, और टेम्परेचर जो होगा वो आपका केल्विन में होगा, अगर नहीं होगा केल्विन तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। टी डिग्री सेल्सियस दे दिया गया, उसमें 273 को प्लस कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। वी वन का मतलब होता है इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना, इनिशियल वॉल्यूम है। वी टू मतलब फाइनल वॉल्यूम, और पी वन होता है इनिशियल प्रेशर, और पी टू होता है फाइनल प्रेशर। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, बेसिक आपको अच्छी तरह से आना चाहिए सभी को, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। अभी इसकी कैलकुलेशन लॉग से करनी पड़ती है आपको सब, ठीक है ना, ध्यान देना है। क्वेश्चन यहाँ लिखा है कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क ऑफ एक्सपांशन ऑफ 2 मोल्स of ideal gas when it expands reversibly and isothermally from 10 meter cube to 20 meter cube at 300 Kelvin. तो यहाँ पर अभी देखो number of moles दिया है question में, volume दिया है V1, V2 और temperature, इतना ही दिया हुआ। R की value constant होती है वो आपको याद रखना है। तो number of moles में लिख दिया 2 moles, V1 कितना दिया है 10 dm cube, V2 दिया है 20 dm cube और temperature आर आपको लिखना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, बराबर है कि नहीं। तो आर जो आर की वैल्यू देख के लिखना है आपको, ठीक है ना, उसके बाद फिर डब्ल्यू मैक्स आपको कैलकुलेट करना है, तो वर्क मैक्सिमम वर्क। तो फॉर्मूला पहले लिखना है आपको, देखो गिवन जो लिखते हैं इसमें मार्क्स होते हैं, याद रखना ये जो गिवन लिखते हैं ना आप लोग, इसमें मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क तो मिलेगा इस पर। फिर फॉर्मूला और उससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया उस पर आपको हाफ मार्क, फिर कैलकुलेशन में मिलता है मार्क्स, और जो आंसर लिखते हैं विथ यूनिट उसमें मार्क्स रहता है पूरा। देखो इसके इसका जो आंसर है विथ यूनिट, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखो 2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस वी टू अपॉन वी वन लिख दिया, तो मैंने वैल्यू देखो एन की वैल्यू लिख दी 2, आर की वैल्यू लिख दिया है 8.314, टी की वैल्यू 300, वी टू वैल्यू 10 और ये वी वन की 10, तो आप देखो 10 1 10 10 2 20, मतलब लॉग टू लिख दिया, बाकी सब सेम लिखना है, वो देखकर जैसा है। लॉग टू की वैल्यू देख के लिखना है, लॉग से लिखना है, लॉग को कैसे लिखना है 20 का 0 में देखना है अभी, अब लॉग टेबल देखना आना चाहिए आपको। तो 2 लिखा मतलब 20 का 0 देखेंगे तो मैंने देख के लिखा है 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक है आपका डिजिट, तो 0.3010 ये मैंने लॉग से देख लिया। अभी सभी का लॉग देखना है, तो सभी का लॉग मैंने यहाँ दिया, देखो लॉग, देखो 2.303 का लॉग लिया मैंने, लॉग 2 का लिखा है, 8.3 का लिखा है 300 का, और फिर जो हमने लॉग देखा ना इसको ये नॉर्मल नंबर बन गया है, लॉग 2 की वैल्यू देखी, अब इसका भी लॉग देखना पड़ेगा। आप बोलेंगे हो गया, नहीं, इस लॉग टू की देखें, इसको भी ये नॉर्मल नंबर ट्रीट हो रहा है यहाँ पर, ये जो नंबर है ये एज ए नॉर्मल नंबर ट्रीट हो रहा है, ठीक है ना, इधर ध्यान देना है नॉर्मल नंबर। तो मैंने अभी देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस होता है सब, तो मैंने सबका वैल्यू लिख कर लॉक टेबल देख के लिखना, आपको भी वैसे करना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा लॉक से, तो लॉक से देख के पूरा लिख दिया और प्लस कर दिया, तो आया 3.5388। अब इसका सम करके जो वैल्यू आया है उसको एंटी लॉग देखना पड़ता है, एंटी लॉग देख लिया तो देखो 53 का 8 देखना है और 8 मीन डिफरेंस, तो आपको आएगा 3458। तो लॉग एंटी लॉग देखना है तो एक डिजिट के पॉइंट लगाना पड़ता है, और ये जो है ना आपका नंबर 3, ये पावर ही रहता है, रेज टू द पावर 3 हो गया, तो आंसर आ गया आपका। चलिए ये लॉग से करना है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा, लॉग देखने आपको आना चाहिए था, तो ये देख लीजिए आप, ऐसा आपको करना है।
तो इसमें आपको क्या करना हो सकता है, वी टू निकालने आए, वी वन भी निकालने आ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने आ सकता है, आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर दोनों में जो टिक मार्क किए ना, और डब्ल्यू मैक्स इतने वैल्यू कैलकुलेट करने आता है, डब्ल्यू मैक्स तो कर ही दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आ सकता है, टेम्परेचर निकालने आ सकता है, या फिर वॉल्यूम वी टू पूछ सकता है या वी वन, या फिर प्रेशर होगा तो पी वन पी टू, बस इतना क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं और एक क्वेश्चन करके। ओके, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं तो ये आएगा तो 3 मार्क्स के इसमें न्यूमेरिकल में आएगा, डायरेक्टली 3 मार्क्स इसमें आएगा। देखो क्वेश्चन से बोलता है कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क व्हेन, अब देखो यहाँ पर 4.2 × 10⁻²⁻² kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका वेट दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का, एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 2 dm³, मतलब V1 हो गया ये, 220 dm³, ये V2 हो गया, एट 300 kelvin हो गया टेम्परेचर। तो अभी देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, उसलिए आपको देखो वेट जब दिया है सब्सटेंस का, मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में नहीं रहेगा, तो उसको निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला क्या, n=W/m, W वेट क्वेश्चन दिया रहता है, अब उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का होता है 1 का 12, ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल सम करके होता है 28, ये निकाल दिया मैंने मॉलिक्यूलर वेट कार्बन मोनोऑक्साइड का, यहाँ लिख दिया 28, और kg में उसमें इसको भी 10⁻³ kg, यहाँ भी लिख देता हूँ kg। ओके, अब देख लीजिए पॉइंट को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये 3 10³ हो जाएगा, ये 3 कट हो जाएगा, अब बचा आपका 42/28, मैंने इसको डिवाइड करके लाया 1.5 मोल्स। ओके, तो अभी नंबर ऑफ मोल्स आपको आ गया 1.5 मोल, नहीं हो तो ऐसा करना है कैलकुलेट, ठीक है ना। तो अगर आपका वेट दिया रहा क्वेश्चन, समझ आइए कि नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन नहीं है। V1 कितना है 1 dm³, V2 20, टेम्परेचर 300 दिया है, R की वैल्यू कांस्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा, और W मैक्स कैलकुलेट करना है, तो अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, वॉल्यूम इसके अंदर भी, तो देखो ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया, देखो N की वैल्यू 1.5, R की वैल्यू लिख दिया है 8.314, log T की वैल्यू लिख दी 300 यहां पर, फिर V2 की 20, V1 की 2, तो 2 × 2, 2 × 10 = 20, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉक्टन की कितनी होती है 1 होती है, वो लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे 1.5 और 300 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 450 हो गया है, थोड़ा टर्म्स छोटा करेंगे उसको कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो देखो 2.3 नोट का मैंने लॉग निकाल लिया, 440 का निकाल लिया है, और 3 इसका, इन दोनों का तो कॉन्स्टेंट याद करके रखा तो अच्छा रहता है, इनकी 2.303 कॉन्स्टेंट है, ये आपको याद करके रखना अच्छा रहेगा, और 8.314 याद करके लो कॉन्स्टेंट वैल्यू रहती है इसकी, तो फिर तुम्हारा कैलकुलेशन जरा आसान हो जाएगा। इसको सम करके मैंने 3.9353 लाया, और इसका एंटी लॉग निकाला है, तो 93 का 5 और 3 मीन डिफरेंस करके आता है 8616.0, 3 को हमने आगे ले लिया इसको, ठीक है ना, मतलब इसको ऐसा आएगा इतना × 10⁻³ जूल हो गया। अब पॉइंट को आगे शिफ्ट करो या नहीं करना है मत कीजिए, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये हो गया आपका × 10⁻³ जूल, ये हो गया आपका डब्ल्यू मैक्स पूरा। तो कैलकुलेशन ऐसे प्रेशर का होगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, तो ये जरा आप कर लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे बस आपके, ठीक है, तो आप इनको कर लीजिए आ जाएंगे आपको। तो ये मैंने आपको डब्ल्यू मैक्स का मैंने आपको आज बता दिया कैसे करना चाहिए आपको, तो बिल्कुल इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है ना। और आगे मिला तो मैं और देखता हूँ टाइम में प्रैक्टिस के लिए बात, अगर मिलता है टाइम आपको तो फिर देखेंगे बाद में, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा करके आपको बता चल रहा हूँ एक एक वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो मैं सोच अभी कोशिश कर रहा हूँ कि 15 से लेकर आधे घंटे के अंदर लेक्चर आपका हो जाना चाहिए, उतना मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये इस वीडियो के अगर ज्यादा शेयर कीजिए, मैं एक बना रहा हूँ छोटा प्रैक्टिस, ये भी थोड़ा थोड़ा अगर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कोई डाउट होता है मुझे आपका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स डाल के मुझे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम क्या नहीं, ठीक है ना। वीडियो कैसे लग रहा है उसका भी बताइए, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए मिलेगा, और कुछ नहीं, मुझे भी सीखने मिलेगा, आपके सजेशन मिले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सजेशन दीजिए मैं उस पर अमल पूरा करूंगा, ठीक है। और ये वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट में मैं आगे जाऊंगा, अभी अब मुझे हेज लॉ कराना है, और एक डेल्टा एच का मुझे न्यूमेरिकल कराना है, और एक बॉन्ड एंथैल्पी भी होता है, तो उस पर तो इतने कर लिया, इस चैप्टर जरा ज़्यादा है जरा, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल अब चलते रहेगा, अब कभी मैं भी दो वीडियो भी डालने वाला हूँ उसमें, अभी धीरे धीरे एक छोटे छोटे आर्टिकल भी जा रहा हूँ मैं, तो इससे क्या आपको आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा आपका पूरा। ओके बेटा, चलिए बाय।